आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एगारो का हाई प्रेशर वॉशर। ये एक हाई प्रेशर वॉशर मशीन है जो कि कार वॉश करने के बहुत काम में आती है। कार वॉश करने के लिए मिनिमम एटलीस्ट अगर हम अपने मैनुअल वे में अगर हम जाएंगे पानी के साथ उसको वॉश करेंगे तो तकरीबन 3 से 4, 5, 6 बाल्टी उसमें लग जाएंगी। जबकि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से सिर्फ 1.5 बाल्टी के अंदर हम अपनी गाड़ी को एकदम जैसे शोरूम में से आती है वैसी चमचमा सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो इस तरीके के हैं। ये है मेन मशीन। अब ये मशीन किस तरीके से काम करती है और इसके साथ क्या क्या चीज़ आती है मैं बताता हूँ। जैसे ये मशीन है, इसके साथ यह है कि एक इनलेट पाइप, ये एक शैम्पू के लिए डिस्पेंसर। इस इनलेट पाइप को कनेक्ट करने के लिए इसके साथ ये कनेक्टर मिलता है। फिर ये है आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप को यहाँ से कनेक्ट करना है इसके अंदर, और इसका ये वाला जो पोर्शन है ये जाएगा गन के अंदर। दिस इज द गन विच वी आर गोइंग टू यूज़ टू वॉश आवर कार। ओके, फिर कार वॉश करने के बाद आप शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं शैम्पू तो लेके आया नहीं हूँ, लेकिन हाँ हम इसके अंदर शैम्पू भर के और इसका यूज़ करके गाड़ी को आफ्टर नहलाने धुलाने के बाद शैम्पू कर सकते हैं, जिससे कि गाड़ी बिल्कुल चमचमा जाती है। तो अब दूसरा इसके साथ आए हुए हैं कुछ फ़िल्टर्स भी। जैसे अब ये फ़िल्टर है, आप ये फ़िल्टर का यूज़ डायरेक्टली, ये कुछ इस तरीके के होते हैं फ़िल्टर जो कि आप ये इनलेट पाइप जो होती है उसके एंड पे लगेगा और इसको आप डाल सकते हो एक बाल्टी के अंदर, और बाल्टी के अंदर आप ऐसा ये पड़ा रहेगा और बाल्टी के अंदर से कोई भी कचरा मशीन में नहीं जाएगा। सी जाली है इसकी। ओके, तो तकरीबन 1 से 1.5 बाल्टी के अंदर पूरी कार बड़े बढ़िया तरीके से धुल जाएगी। फिर इसके साथ अगर सपोज़ करो बाल्टी से नहीं धोना है, आपके पास अगर व्यवस्था है पानी के टैप की, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे पानी के टैप के साथ इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ से इसका इनलेट पाइप जो कि ये वाला है आप ज्वाइंट कर सकते हैं और फिर गाड़ी को आराम से बढ़िया तरीके से साफ कर सकते हैं। सो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपको हम एक डेमो दिखाएंगे कार साफ़ करके, बढ़िया फर्स्ट क्लास। शैम्पू है नहीं लेकिन फिर भी देखते हैं, ट्राई करें। देखिए भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने फिट कर दिया है यहाँ पे। ओके, ओके, ये पाइप के साथ लास्ट में फिल्टर फिट करना है। ये यहाँ पे फिल्टर फिट होगा। Yes, now we have to put this in bucket. Bucket is ready. तो बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करना। ये हमारी एक्सटेंशन कॉर्ड है। कॉर्ड बड़े आराम से आ रही है और कई सीगन लेके आ गया, सीगन में जाएगा। This part is fitted with this nozzle. ये nozzle है, ये बहुत important part play करती है पानी की। आओ बच्चो, कैसे हो? अभी जैसे आप देखेंगे आगे nozzle किस तरीके से work करती है, इसको हम घुमाएंगे इस तरीके से। ये nozzle, ये like this, water jet को streamline करने के लिए, ठीक है।
देखिए अभी पहले क्या ध्यान रखना है कि ऑन करने के बाद इसकी अंदर की जितनी भी एयर है वो निकाल देनी है, ठीक है, जिससे कि इसकी एक्स्ट्रा जो भी एयर हो वो निकल जाए। अभी अभी भाई ये देखो, ये कि 47 हमारी चलने वाली है। नहीं, उसको साफ करने के लिए दोगे क्या भाई, इतनी पास से मत करो। ये वीडियो चालू कर, ओके पूरी होगी साफ। देखो अभी शैम्पू कैसे होता है गाड़ी पे, गैजेट तो हो गए भाई। गाड़ी धुलने के बाद क्या चमचमा गई है, एज इफ शोरूम में से निकली हो।